नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बिहार में विधानसभा स्पीकर के चुनाव के कुछ देर पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी एमएलए ललन पासवान को कॉल किया और कहा कि आप हमारे पक्ष में आ जाइए, हम आपको मंत्री बना देंगे। इसको लेकर के बिहार की सियासत गर्मा चुकी है और ये ऑडियो काफ़ी वायरल होते दिख रहा है। और इस वायरल वीडियो को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मीडियाकर्मियों से बातचीत किया और क्या कुछ कहा, पहले आप सुनिए। सम्माननीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। उसके नेता जितनी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, बात करते हैं, आज मैं सदन में सुन रहा था नेता प्रतिपक्ष की बातों को, लेकिन जिस प्रकार से उनके परिवार के, उनके पिताजी या पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। खैर, कानून का उल्लंघन करना उनका अभ्यास है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी निंदा करते हैं। और झारखंड सरकार से हम मांग भी करेंगे, सरकार को लीगल एक्शन लेगी आपकी सरकार, नहीं बता, बोलने दीजिए ना। और यह जो फोन हुआ है ये झारखंड से हुआ है, इसलिए झारखंड सरकार से हम सब आग्रह करेंगे कि इस पर जो वैधानिक कार्रवाई है उसको करे, का जो वैधानिक तरीका है उस तरीका से इसकी जांच हो, जरूरत पड़े तो और भी उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच तक भी अगर जाना पड़े, क्योंकि अगर लोकतंत्र सर लीगल एक्शन क्या आप कुछ करेंगे? नहीं बताएगा, हम ललन जी से बात करेंगे। ललन जी को, अरे मैं तो ललन जी बोलिए, अरे बोलने दीजिए ना, एक बार हमको बताने दीजिए ना, फिर ये बोलेंगे ना। देखिए, वो सारी कार्रवाई हम लोग अपने एनडीए के साथी बैठेंगे और राज्य स्तर पर किस प्रकार की कार्रवाई होती है माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इसको हम लोग जो वैधानिक तरीका है उसको करेंगे। लेकिन अभी ये झारखंड सरकार, झारखंड राज्य से यह फ़ोन आया है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था किसी भी राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है और जो कारा है वो झारखंड सरकार के अधीन है, जो रिम्स है वो भी झारखंड सरकार के अधीन है, तो उस सारे चीज़ों को हम सब देख रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा एक महादलित परिवार का एक प्रथम बार जो जीत कर रहा है उसको इस तरह से धमकी देना, उन्हें कमज़ोर समझना, और बड़ी बड़ी लोकतंत्र और पिछड़े और दलित महादलित की दुहाई देना, आज उनकी तो पोल खुल गई, उन्होंने जानबूझ के समाज के कमजोर वर्ग के विधायक को क्यों चुना। ऑडियो तो वायरल है, और वो तो फिर उसको देखेंगे, सुशील जी से बात करके देखेंगे, आप बताइए। नहीं देखिए, जो बात हुई थी सब ऑडियो में स्पष्ट है। एक्चुअली परिस्थिति थी कि मैं लगभग 6:30 बीच का समय था, शाम का, मैं अपने आदरणीय नेता सुशील मोदी जी के 5 नंबर आवास पर इधर ही था, तो हमारे पीए ने फ़ोन उठाया, उनको कहा कि विधायक जी बात करें, बोले नहीं उनके पीए बोल रहे हैं, सब ऑडियो में क्लियर है, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ तो कि ये बोल रहा हूँ, तो विधायक से बात करना है तो लालू यादव जी बात करें, तो हमारे पीए ने कहा कि अर्थात ठीक से लाइन पे हमसे पूछा लालू यादव बात करें, तो मुझे लालू यादव बात करेंगे, मुझे लगा कि क्षेत्र में भी कई लोग लालू यादव नाम से, हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं, वो हम पूछो कहाँ से बोल रहे हैं, तो फिर पूछे कहाँ से बोल रहे हैं सर, पूरा रांची से, तो हमको लगा कि अब रांची है तो मामला, मुझे ये लगा, मुझे उन्होंने फ़ोन किया, मुझे लगा कि देखिए जिस तरह से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे फ़ोन करके हमें बधाई दिया था, कई नेतागण ने दिया था, प्रोत्साहित किया था, मुझे लगा चले विरोधी दल के नेता हैं, लोकतंत्र की उपज हैं, लोकतंत्र ने लालू यादव को यहाँ पर पहुँचाया है, तो लोकतंत्र की गरिमा के तहत मुझे बधाई दे रहे, मैं काफ़ी उत्साहित हुआ शुरू में, मैंने कहा प्रणाम सर, खुश रहिए, फिर मैंने अपने स्वभाव बस, जो मैं बड़ों को आदर रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनका चरण स्पर्श भी फ़ोन पे ही किया, चरण स्पर्श किया, खुश रहो। इसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा करो कल हम लोग स्पीकर को गिरा देंगे, उसमें हमारे साथ दो सरकार बनाएंगे, मैं शॉक्ड हो गया कि कोई आदमी जेल में बैठ करके एक तो इलीगली मोबाइल यूज कर रहा है, किस तरह से सरकार को लोकतंत्र की हत्या करना कोई चाह रहा है, मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बार बार कहा मैं सर पार्टी में हूँ,
पार्टी में होते क्या हो, क्या हुआ, एबसेंट हो जाओ, फिर क्या नहीं सर पार्टी में, कोरोना का बहाना कर लो। मैं शॉक्ड था एक्चुअली, काफ़ी मैं शॉक्ड हो गया कि जिस व्यक्ति को लोकतंत्र ने यहाँ पहुँचाया, अगर इंडिया में, भारत में डेमोक्रेसी नहीं होती तो कोई लालू प्रसाद का नाम जानने वाला नहीं होता। डेमोक्रेसी की उपज है, हम आज डेमोक्रेसी के बदौलत हम, आपको मालूम होना चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन।